पूरे 4 लाख रुपए तक का लोन आप घर बैठे 2 से 5 मिनट में नहीं लेंगे। आप इसे अप्लाई कर लोगे, अप्रूवल हो गया तो इंस्टेंट इस पैसे को बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो, इंस्टेंट इसे यूज भी कर सकते हो। आज जो ऐप आपको बताने वाला हूँ वो आपको बेस्ट ऐप है। इससे दोस्तों फायदा क्या है कि ये क्रेडिट लाइन है। क्रेडिट लाइन में दोस्तों फायदा ये होता है कि आपने देखा होगा कहीं भी लोन आप लेते हो चाहे किसी से भी सुना होगा, जितना पैसा होता है पैसा बैंक में ट्रांसफर इंस्टेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो क्रेडिट लाइन है, क्रेडिट लाइन का ये फायदा होता है, जितना मान लीजिए कि आपका 5 लाख का अप्रूवल हो गया क्रेडिट लाइन, चाहे 3 लाख का अप्रूवल हो गया, आपको यूज करना है पैसा, अभी यूज करना है 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये बैंक में ट्रांसफर करोगे उतना का ही ब्याज लगेगा, बाकी पैसे का ब्याज नहीं लगेगा। बाकी पैसा इंस्टेंट आप इसे कभी भी अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। आज आपको ऐसा ही एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस पे आपको 0% ब्याज पे भी पैसा इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है। वो कैसे ये आपको तुरंत आपको बता नहीं सकता, इस वीडियो में आपको सही जानकारी देने वाला हूं। तो मेरा नाम है दोस्तों नील और आप देख रहे हैं इंडियन लेटेस्ट ट्रिक्स। मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल सही जानकारी देने वाला हूं कि यह ऐप है कौन सा, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना है। डॉक्यूमेंट्स आपको ज्यादा नहीं देना है, मेन डॉक्यूमेंट्स देना है क्योंकि आप डिजिटल लोन ले रहे हो। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है RBI NBFC रजिस्टर्ड है। इसको इस एप्लीकेशन को मैंने रिव्यू किया है, सही जानकारी ली है, उसके बाद जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया हूँ, डिजिटल सपोर्ट करने के लिए, डिजिटल जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कि तो अब मेरा काम है आपको सही जानकारी देना है, सही जानकारी लीजिए उसके बाद जाकर अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कई लोग सोचेंगे कहाँ जाए अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले बता दूँ अप्लाई करने के लिए कहीं भी नहीं जाना। आपके पास कोई सा भी फ़ोन है, जो भी फ़ोन है आपके हाथ में, आपके एप्लीकेशन आपके फ़ोन में डाउनलोड होता है तो एप्लीकेशन बताऊंगा कौन सा है। तो पहले आपको सही जानकारी देने वाला हूं, उसके बाद आप लोग कहते हो कि एप्लीकेशन का नाम नहीं होता, तो आप लोग दोस्तों वीडियो सही से देखते ही नहीं हो, क्योंकि वीडियो पूरे सही से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा एप्लीकेशन है, इस पर ब्याज कितना लग रहेगा, प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, और दूसरी बात इस पर कोई पेपर वर्क नहीं करना है, और इस ऐप से घर बैठे ही आपको लोन मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई कॉल वाला आपके पास नहीं आएगा, बस एप्लीकेशन को समझ जाओ उसके बाद फटाफट आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, माफी चाहता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन समझाऊंगा आपको बिल्कुल सही से ताकि आपको सही जानकारी मिल सके, ताकि आप भी कॉमेंट करो कि हाँ भाई आपने सही जानकारी दी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो दोस्तों यहां से स्क्रीन रिकॉर्ड मैं कर लेता हूं ताकि आपको दिख जाए। यहां पे दोस्तों देखते हैं कि यहां पे मैं आ चुका हूं और यहां पे कुछ अमाउंट मेरे पास अभी आ चुके हैं। जैसे देखिए, जैसे ही इस एप्लीकेशन को मैंने इस ऐप में आके मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिंग आप अपने मोबाइल नंबर से और मेल आईडी से आप लॉगिन कर लोगे इस पे। ठीक है, लॉगिंग जैसे ही आपको बताऊंगा कौन सा एप्लीकेशन है, कहां से आपको डाउनलोड करना है, तसल्ली से इस एप्लीकेशन को पहले जानो समझो, उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि एप्लीकेशन कौन सा है, सही जानकारी देने वाला हूं। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, समझ गए। तो यहां पर देखते हैं, चलते हैं यहां पर प्ले स्टोर पर चलेंगे, प्ले स्टोर हमारा आ चुका है। तो यहां से दोस्तों प्ले स्टोर पर भी ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो उससे पहले दोस्तों ध्यान रखिए, तो यहाँ पे हम इस ऐप को पहले सही जानकारी देने वाला हूँ। ये ऐप आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा और बताऊँगा कि RBI से अप्रूवल है कि नहीं, अप्रूवल है ये एप्लीकेशन RBI से NBFC अप्रूवल है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे बहुत तरीके से लोन मिल रहा है, जो कि ये क्रेडिट लाइन है। देखते हैं ये एप्लीकेशन है जो है, ये क्रेडिट लाइन है, क्रेडिट लाइन ऐप है। क्रेडिट लाइन होता क्या है आप देखिए, आसान सी भाषा में इन्होंने समझा रखा है। देखिए कि मान लीजिए कि जो क्रेडिट लाइन है इस पे क्या है कि 4 लाख तक का लोन मिलता है, 4 लाख तक का, और ये 4 लाख तक का लोन आपको इसी एप्लीकेशन में अप्रूवल हो, जैसे कि आप इसी के वॉलेट में यहाँ पे आपके जैसे ही अप्लाई करोगे, अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको इसी पे अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए कि 4 लाख तक का लोन मिल गया, तो यहाँ पर देखते हैं प्री क्रेडिट लाइन फॉर मतलब लोन, देखें ये दोस्तों ऑल टाइप मतलब देखते हैं मेरे कहने का मतलब, देखिए मेरा थोड़ा इंग्लिश वीक है, यहाँ देखते हैं प्री अप्रूव क्रेडिट लाइन फॉर ऑल योर लोन्स नीड, जो भी लोन की नीड है, चाहे शॉपिंग करने का है, चाहे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है, चाहे जैसे भी आपको नीड है लोन की। ठीक है, तो दोस्तों उस तरह के लोन आपको क्रेडिट लाइन से आपको मिल जाएगा। क्रेडिट लाइन दोस्तों फायदा क्या है आप देखिए कि यहाँ पे देखते हैं कि पैसा, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया गया है, इन्होंने समझा रखा है, देखिए कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ यहाँ पे तो यहाँ पे इन्होंने समझा रखा है, देखते हैं विड्रो एनी अमाउंट, जैसे कि आपको लिमिट मिल गया 4 लाख का लिमिट मिल गया, तो यहाँ से आप विड्रो यहाँ पे जितना पैसा आप देखते हैं। दूसरी बात, यहाँ आप दूसरा स्टेप में आएंगे,
एनी टाइम कभी भी पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। ये नहीं कि अप्रूवल हो गया आपको टाइम लगेगा, इंस्टेंट पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। इसमें इस वॉलेट में जितना पैसा रहेगा उसका ब्याज नहीं देना है, जितना पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर करोगे उतना का ब्याज देना है। क्रेडिट लाइन का ये फायदा होता है। दूसरी बात उसको देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जितना पैसा आप इस्तेमाल करो, जैसे देखते हैं यहाँ पर ग्लास है, ग्लास में से पैसा छोटे ग्लास में, मतलब छोटे ग्लास में पानी निकला हुआ है, एग्जाम्पल उन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो जैसे कि ये पैसा आप निकाल, जैसे कि ये पानी का बड़ा बोतल है, तो उसमें दोस्तों क्या है कि उसमें से पैसा उसमें से पानी निकालोगे, छोटे ग्लास में आपने निकाल लिया, वो अपने जैसे कि ये इसके वॉलेट में पैसा रखा हुआ है, इस वॉलेट से अपने बैंक में मान लीजिए कि आपका 4 लाख इस वॉलेट में पड़ा हुआ है, इस पैसे को कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अभी पैसा आपको चाहिए 50,000 का, तो 50,000 यहाँ से आपने निकाल लिया, जितना पैसा आप निकालोगे उतना का ही देखते हैं, जितना का ही जितना पैसा यूज करोगे उतना का ही आपको ब्याज देना है, बाकी इसके वॉलेट में पड़ेंगे कोई ब्याज नहीं देना है। दूसरी बात उसको ध्यान रखिए, जितना रीपेमेंट करोगे फिर पैसा उसके वॉलेट में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने रीपेमेंट किया, आपने देखा होगा लोन में कि पर्सनल लोन क्या होता है कि ये भी पर्सनल लोन के जैसा ही है, जितना पैसा आपको मिलता है सब आपके बैंक में आ जाता है, आप रीपेमेंट करते जाओगे फिर भी पैसा आपको वो इकट्ठे नहीं होता, उस पैसे का यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जितना पैसा आप रीपेमेंट करते जाओगे, देख सकते हैं यहाँ पे ये नलका सा लगा रखा है, फिर आप रीपेमेंट करोगे तो वही पैसा इस वॉलेट में आ जाएगा, समझ गए ना। जितना पैसा आप रीपेमेंट करोगे फिर आ जाएगा, फिर पैसा ट्रांसफर कर लोगे, फिर जितना पैसा रीपेमेंट करते जाओगे आता जाएगा, ये आपका रनिंग में रहेगा। क्रेडिट लाइन का ये फायदा है, जितना पैसा आप इस्तेमाल करोगे, जितना पैसा बैंक में आपने ट्रांसफर कर लिया उतना पैसा आपको, ठीक है, उतना पैसा आपको लगने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपने देख लिया, अब दोस्तों देखिए कि यहाँ पे क्या है कि और भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि जैसे कि देखते हैं कि यहाँ पे आप समझ गए क्रेडिट लाइन का फायदा क्या है। अब देखिए कि यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है ना, जितना पैसा आप शॉपिंग करोगे, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें कुछ अमाउंट होते हैं, जैसे कि 70,000 का अमाउंट आपको मिल गया क्रेडिट लाइन, और इसमें से आप उससे पैसा आप शॉपिंग कर लिए, शॉपिंग तो शॉपिंग का कोई ब्याज आपको नहीं देना पड़ता है। कुछ अमाउंट ऐसे होते हैं जो आपको शॉपिंग का चार्ज आपको नहीं, शॉपिंग करते हो तो शॉपिंग का चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है, शॉपिंग का ब्याज 0% से लेकर 2.5 तक चला जाता है। लंबे टाइम के लिए किस्त बनाओगे तो वहाँ पर ब्याज देना है, अगर कुछ टाइम के लिए किस्त बनाते हो तो वहाँ पर आपको ब्याज नहीं देना है, शॉपिंग करोगे तो फायदा होगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, मान लीजिए कि इन्होंने टाइमिंग दे रखा है। अब दोस्तों एप्लीकेशन के बारे में बात कर लें कि एप्लीकेशन है कौन सा, तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं इस ऐप का नाम है कैसी, देखते हैं ये ऐप आपको बड़े आसानी से प्ले स्टोर मिल जाएगा। इस ऐप को मैं यहाँ से सबसे पहले इस ऐप में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं 1,000 से लेकर 4 लाख तक का आपके सामने 1,000 से लेकर 4 लाख तक का लोन का अमाउंट है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, नीचे आएंगे देखते हैं यहाँ पे 1,000 से लेकर 4 लाख तक का यहाँ पे इन्होंने पर्सनल लोन दे रखा है। स्टार्टिंग विड्रो एनी टाइम कभी पैसा बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद 100% पेपरलेस एप्लीकेशन है, कोई पेपर वर्क नहीं करना है आपको। उसके बाद 3 महीने से प्लस का रिपेमेंट कर सकते हो, 0 चार्ज, मतलब जैसे कुछ अमाउंट जो बताया था 0 चार्ज। और यहाँ पे इंजॉय ऑनलाइन शॉपिंग, नो कॉस्ट EMI। और उसके बाद इंस्टेंट, मतलब डिस्पर्स आपका बैंक में होता है, जितना पैसा ट्रांसफर करोगे इंस्टेंट आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम नीचे आएंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोगों का यही होता है कि हाँ भाई इस पे सैलरी कितना होना चाहिए। जैसे कि अप्लाई करने के लिए इस पे बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ जाकर अप्लाई करना है, देखते हैं। यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले ये चीज़ देख लो आप कि आपका उम्र होना चाहिए 21 साल। जब आपका पैन कार्ड, 21 साल क्यों मांगते हैं, जब आपका पैन कार्ड बन जाए तो 21 साल आपका उम्र, जब 21 साल रखा गया है पैन कार्ड बनने के लिए, जब पैन कार्ड बनता है 21 साल आपका उम्र है तब पैन कार्ड बनता है, तो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कि आपका मंथली इनकम आपका 12,000 रुपये होना चाहिए, मंथली इनकम आपका 12,000 रुपये होना चाहिए, इतना इनकम हर किसी का लगभग होता है, ठीक है। और पैसा आपके जो बैंक में क्रेडिट होता है उसी से आपको अप्लाई करना है, समझ गए। एप्लीकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको और दिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ चलते हैं कि क्या ये एप्लीकेशन RBI से अप्रूव्ड है कि नहीं, सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों कई लोग इसका वेट कर रहे होंगे, ये जो एप्लीकेशन है RBI से NBFC रजिस्टर्ड है, और तो इससे आप फटाफट लोन आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस पर दोस्तों ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले क्या है कि एप्लीकेशन आपको यहाँ से बता दिया हूँ, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, KYC कंप्लीट करना है, जो कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा कैसे कैसे करना है, आप सही से देखते रहो आप, ठीक है। थोड़ा सा बेग यहाँ से दोस्तों यहाँ, उसके बाद देखिए कि क्या है कि आप डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या देना है, सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लेना, ठीक है।
जैसे देखिए, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका पैन कार्ड, जैसे कि पैन कार्ड मांग रहे हैं। आईडी प्रूफ में आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आपका सबसे पहले आपका पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद उसको आइडेंटिटी प्रूफ में आपने सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड हर किसी के पास होता है। उसके बाद उसको एड्रेस प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड, चाहे बिजली का बिल, इनमें से कोई चीज दे सकते हो जो एड्रेस प्रूफ है जहाँ करंट रह रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, जिस बैंक में पैसा आपका क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड ऑप्शनली है और आधार कार्ड दे सकते हो या नहीं, ठीक है। सेल्फी यहाँ से देना है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए कि यहाँ पे आपको ब्याज कैसे लग रहा है। सबसे पहली बात जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ से चलते हैं और यहाँ से हम इस एप्लीकेशन में यहाँ के दिखाते हैं। इन्होंने दोस्तों दे रखा है कि 270 दिन के लिए आप लेते हो, ये देखते हैं, 1,05,000, ठीक है। इन्होंने दे रखा है 1,05,000 रुपये अगर आप यहाँ से लेते हो 270 दिन के लिए, तो यहाँ पे 2.25% का आपको ब्याज आपको लगने वाले हैं, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे 1,05,000 रुपये अगर आप लेते हो इतने दिन के लिए, तो इतना ब्याज आपको लगने वाले हैं। उसके बाद उसको दूसरा, आप 180 दिन के लिए आप लेते हो, तो आपको 180 दिन के लिए मान लीजिए कि 70,000 लेते हो, 70,000 का अमाउंट आप यहाँ से अप्लाई करते हो। यहाँ पे तीन चार अमाउंट एक मेरे को अनलॉक हुए पड़े हैं, तो यहाँ पे क्या है कि 70,000 का लेता हूँ तो 2.4% का ब्याज लगने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों 90 दिन के लिए यहाँ से लेता हूँ 35,000 का यहाँ पे, तो यहाँ से 2.5% का ब्याज लगने वाला है। तीसरा है दोस्तों, देखते हैं जो कि आप 0% से, ये देखते हैं कैसी क्रेडिट लाइन 0% है क्या, जैसे कि इसमें कुछ अमाउंट ये जो अप्लाई करोगे, इस पैसे से आप शॉपिंग भी कर सकते हो, बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो यहाँ से मान लीजिए कि 70 दिन के लिए आपने लिया 0% से लेकर 2.5% का पैसा बैंक में ट्रांसफ़र करोगे, उतना का लगेगा ब्याज, बाकी नहीं देना पड़ेगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे देखते हैं, प्रोफाइल पे आ चुके हैं, यहाँ पे प्रोफाइल पे आके देखते हैं। सबसे पहली बात देखिए कि सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है, 4 स्टेप दिख रहा है आपको, देखते हैं पर्सनल डिटेल, यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल, उसके बाद बैंक डिटेल और यहाँ पे फोटोग्राफ, मतलब फोटो प्रूफ। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आप अगर पीछे फिल कर देते हैं तो यहाँ से लोन आपको इंस्टेंट आपको मिल जाता है। अप्लाई क्लिक करेंगे, लोन अप्रूवल हो गया, डॉक्यूमेंट सही रहा तो अप्रूवल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको डालना है, नाम, मोबाइल नंबर, रेफरेंस, ये सब आपको पर्सनल डिटेल हो जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट, ये आप डिटेल जो होता है ये अभी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, कहाँ आप जॉब कर रहे हो, कौन सी कंपनी है, कब से कर रहे हो, कितनी आपकी सैलरी है, ये सब डाल के कंप्लीट करना है। उसके बाद बैंक डिटेल में कि कौन से बैंक में आपका पैसा आता है, ठीक है, कितना आता है, ये सब आपको इस पर डालना है और यहाँ से आगे बढ़ जाना है। उसके बाद सो फोटो में, जैसे कि फोटो प्रूफ में कि जो भी आप डिटेल डाल रखा है, बैंक स्टेटमेंट ये सब, उसका चाहे आपका फोटो ये सब, चाहे आधार कार्ड का फोटो, ये सब यहाँ पर फिल करना है। 4 स्टेप अगर आप कंप्लीट कर देते हो तो यहाँ से आके आप तो जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे, ऐसे आपका ये अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई होगा तो जैसे कहेंगे कंप्लीट करो, ठीक है, आपके सामने आ चुका है, कंप्लीट करने के लिए कहेंगे। ये 4 स्टेप आपको कंप्लीट कर देना है, कंप्लीट करने के बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करोगे इंस्टेंट आपको मिल जाएगा। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें अर्निंग का भी एक सिस्टम चल रहा है कि जिससे आप पैसा अर्निंग भी कर सकते हो। अगर आपके इसके बारे में जानना है, महीने का अच्छे खासे पैसा कमाना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं। देखिए कि यहाँ पर नीचे दिया गया है रेफर एंड अर्न, जिससे मैंने यहाँ पर रेफर एंड अर्न किया है, डेली आप 3,000 रुपये कमा सकते हो। अगर आपको इसके बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, हाँ सर इस पर एक वीडियो आए, इस पर बनना चाहिए। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, चाहे कहीं जॉब करते हो, पार्ट टाइम में वर्क करना चाहते हो, तो इसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। विदाउट इन्वेस्ट के कोई इन्वेस्ट नहीं करना, इससे आप अर्निंग कर सकते हो पार्ट टाइम में इस एप्लीकेशन की मदद से, ठीक है, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मेरे रेफरेंस आईडी है, रेफरेंस नंबर है, यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करोगे तो रेफर आईडी मांगेगा, तो रेफर आईडी यहां से आप डाल सकते हैं। देखते हैं रेफर आईडी यहां पर दिया गया है, यहां से देख के रेफर आईडी आप डाल सकते हो। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, एप्लीकेशन कौन सा है, एप्लीकेशन का मैंने सही से रिव्यू करने के बाद ही मैं जाकर आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है, आपके सामने बनाया हूं, ठीक है। बाकी यहां से आप सिविल स्कोर चेक कर सकते हो, सिविल स्कोर करने के कोई पैसा आपको नहीं लगा, सिविल स्कोर चेक भी कर सकते हो आप अपना,
ठीक है। इस तरह दोस्तों यहाँ से आप लोन ले सकते हो, इस पर बहुत आसान है। आप समझ गए आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप पहले से थोड़ा सा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, हाँ सर वीडियो अच्छा लगा, ऐसे से सुन दो। और इसके बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ से बहुत आसान है, डाउनलोड करके आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी जानकारी वीडियो लेके आएँ ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना, हम डिजिटल सपोर्ट के लिए जानकारी देते हैं, सिर्फ जानकारी देते हैं, डिजिटल जानकारी देते हैं, मतलब जानकारी के लिए वीडियो बनाते हैं, हम कोई लोन वोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी कमेंट में कहीं भी नंबर वंबर दिखे, किसी गलती से किसी नंबर देते हो उन, तो ध्यान रखिए उनसे बच के रहिए, उससे फ्रॉड होते हैं, ठीक है। जो है हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में देते हैं, हम कोई पर्सनल कॉल या मेल ये सब हम नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।